हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एसजी टेक्निकल्स में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या क्या बेनिफिट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, किस किस सेक्टर में हम यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने में, और क्या रिस्क होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को क्रिएट करना, डेवलप करना अपनी मशीन्स में, और उसके बाद उन मशीन से टास्क को या फिर काम को कंप्लीट करना, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंसी के बराबर काम कर सके, इस पे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं नैरो AI या फिर वीक AI, क्योंकि वो सर्टेन टास्क परफॉर्म करने के लिए करी गई है, कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, रिमेंबर रखे सर्च हिस्ट्री को। अब रिसर्चर्स काम कर रहे हैं जर्नल AI पे, जिसे वो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग AI। स्ट्रॉन्ग AI इसलिए बोलते हैं कि उसको हम टास्क परफॉर्म करने को नहीं देंगे, वो इतनी ज़्यादा एडवांस होगी कि वो खुद काम को कंप्लीट करेगी और हमको रिपोर्ट करेगी। साथ ही साथ उस AI को हम यूज़ करेंगे अपने रोबोट्स में और उनसे काम कराएंगे स्ट्रॉन्गर, फास्टर और स्मार्टर तरीके से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइफ का रिस्क रहता है, अगर हम वहाँ पे AI रोबोट्स या फिर AI डिवाइसेस को भेजें, जैसे कि स्पेस मिशन, मार्स मिशन। अगर हम पहले यहाँ पे AI रोबोट्स को भेजें वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की कंडीशन, वहाँ के वेदर को समझने के लिए, उसके बाद हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजें, तो उनको पता होगा कि कैसी सिचुएशन है, उनको कैसे हैंडल करना है। साथ ही इसरो ने इसमें एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है, अपने स्पेस मिशन के लिए उन्होंने पहले AI रोबोट भेजेंगे, उसके बाद वो एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। वहीं हम बात करते हैं डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग से, हम अपनी AI को बेटर करेंगे और ज़्यादा स्मार्टर करेंगे और अपनी बिजनेस एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेंगे। साथ ही साथ अपनी जो ह्यूमन एरर प्रोबेबिलिटी है उसको रिड्यूस करेंगे, और अपने हिस्टोरिकल डाटा से जो लॉसेस हुए हैं पास्ट में वो फ्यूचर में ना हो, उसको AI को यूज़ करेंगे। और AI हमारी लाइफस्टाइल को भी एनहेंस करेगी, हमारी जो सर्च हिस्ट्री है उसको यूज़ करेगी और हमें टारगेटेड इन्फॉर्मेशन देगी। AI को हम डेटा एंट्री में यूज़ कर सकते हैं, थैंकिंग मेल भेजने में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ AI पावर्ड स्मार्ट होम की बात होती है, तो AI हमारी एनर्जी और हमारी सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करेगी। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी रिपीटेटेड जॉब होती हैं, जैसे कि थैंकिंग मेल्स भेजना या फिर डॉक्यूमेंट में एरर चेक करना। अगर ये सारी चीज़ें AI करेगी तो हम उस टाइम के लिए कुछ क्रिएटिव, कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ नया काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे सेक्टर्स में यूज़ हो रही है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में 3.3 बिलियन इन्वेस्ट होता है पर ईयर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉड केसेस और क्रेडिट रिस्क केसेस। वहीं हम बात करते हैं रिटेल सेक्टर में, तो रिटेल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, $3.4 बिलियन पर ईयर। वहीं हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर में फोर्थ नंबर पे आता है ऑन इन्वेस्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन्वेस्ट करता है $2 बिलियन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एनर्जी सेक्टर में हम बात करें तो इन्फोसिस की स्टडी के हिसाब से 29% एनर्जीज कंपनीज स्पेंड करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और वो सेटिस्फाइड हैं इस रिज़ल्ट से, और 2025 तक ये 50 से ऊपर पहुंच जाएगा। वहीं हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सेल्फ ड्राइविंग कार बन रही हैं और उनमें यूज़ हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहीं टेस्ला जैसी कंपनी सेल्फ ड्राइविंग ट्रक भी बना रही है, उसमें भी यूज़ हो रहा है AI का। तो फ्यूचर में ये होगा कि आपको हर जगह सेल्फ ड्राइविंग कार में AI मिलेगी, सेल्फ ड्राइविंग ट्रक में AI मिलेगी। वहीं Uber जैसी कंपनी टैक्सी बना रही है सेल्फ ड्राइविंग, तो ये बहुत बड़ा एवोल्यूशन होगा AI का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। हमने AI के बेनिफिट्स भी देख लिए और कौन सा सेक्टर कितना इन्वेस्ट कर रहा है AI में वो भी देख लिया, तो इसके रिस्क और डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत हैं।
डिफ़िकल्टीज ये हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई होगा, हमें AI पावर डिवाइसेस चाहिए होगा, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए होगा, साथ ही साथ इसमें जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो भी हाई होगा, क्योंकि हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हर दिन नई टेक्नोलॉजी आती है, नई कैपेबिलिटीज़ के साथ आती है, नई सिक्योरिटी के साथ आती है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। साथ ही साथ हम बात करते हैं AI पावर्ड स्मार्ट होम की, AI पावर्ड स्मार्ट सिटीज़ की, तो इस जो टेक्नोलॉजी है AI, इसके नेटवर्क और किसी ने हैक कर लिया और मिसयूज़ करा तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी हो सकता है। साथ ही साथ ये AI टेक्नोलॉजी अगर सारे काम करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, लेजीनेस भी होगी, साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि AI की सिक्योरिटी भी अच्छी हो, AI से अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं फैले। सारे एडवांटेजेस हमें ग्रैब करने होंगे, ना कि डिसएडवांटेजेस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, कमेंट करिएगा, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।